अब आप मुझे बताइए, राजस्थान के बीजेपी के 25 एमपी हैं, वो आदर्श गांव कहां पर है? दुनिया ढूंढ रही है 25 एमपीओ को आदर्श गांव बनाना था, एक एक आदर्श गांव बनाना था, 25 एमपी है राजस्थान में। और आपने बहुत खबरें चलाई, अब प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक आदर्श गांव बनेगा, लोग उसको देखने जाएंगे, देख कर कहेंगे ऐसा होता है आदर्श गांव। मैं 25 एमपीओ से कह रहा हूं, आदर्श गांव दिखाओ प्रेस को, हमको भी दिखाओ। लोग ढूंढ रहे हैं 1000 रुपए के नोट लेके खड़े, 500 रुपए के 500 रुपए ले लो भैया, 1000 रुपए ले लो, इनाम ले लो, लेकिन आदर्श गांव दिखा दो। ना तो कोई आदर्श गांव एमपीओ ने बनाया। कर्नाटक में जरूर खेल खेलने की कोशिश की, तो वहां पे ये बुरी तरह से इसलिए हार गए कि वहां की जनता समझ गई कि बीजेपी मुद्दों की राजनीति करती है, चुनाव में माहौल बनाकर वोट लेकर फिर जनता को भूल जाती है। कल जो तस्वीरें आई बीजेपी की हवा निकल गई, कल तस्वीरें अच्छी आई है और बीजेपी उस पर ट्वीट कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी का हमारा पार्टी नेतृत्व इतना मजबूत है, वो सबको एक करके और कह रहा है सब संगठित होकर चुनाव में जाएंगे, जीत कराएंगे, इतना ही तो कहा है। हमारी पार्टी के लोग संगठित हो रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व उनको बुलाकर राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, रंधावा साहब दिल्ली में बैठकर बातें कर रहे हैं और अच्छा संदेश जा रहा है, तो दर्द बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है? मेरे ये समझ में नहीं। वो क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं कि राजस्थान की योजनाएं अच्छी है, देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। आपने उसका, राहुल गांधी का मकान खाली कराया बीजेपी वालों ने, वो बजरंग बली ने कर्नाटक से बीजेपी का मकान खाली करा लिया। अब आप बताओ, बीजेपी का मकान तो बजरंग बली ने खाली कराया कर्नाटक से, आप राहुल गांधी का अकेले का मकान खाली कराओगे, उनके सारे मकान खाली करा लिए कर्नाटक से, देश से खाली हो जाएंगे बीजेपी वालों के मकान, ये ध्यान रखना। लोग तो पूछ रहे हैं कि अब पायलट साहब के आंदोलन का क्या होगा? अब ये तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सारी तस्वीर आपके सामने, समझौता हो गया आपका मानना है? मैंने जो आपने देखा है टीवी पे वही मैंने देखा है, लेकिन ये सब सुखद तस्वीरें हैं। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है उस नेतृत्व के पीछे हम सब खड़े हैं, हम सब पार्टी नेतृत्व के साथ। ये भी कहा जा रहा है कि समझौते में एक बड़ी भूमिका आपने भी निभाई है कि भाई मैंने इतनी गलत फहमी क्यों नहीं, मैं ये जरूर चाहता था जो कल हुआ है वो हो जाए और वो हो गया, तो इसका मतलब मेरे स्टार ठीक चल रहे हैं, ठाकुर जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, तो जो मैं सोचता हूँ होता है और हो गया, दोनों सब एक हो गया, सब अच्छा हो गया। फॉर्मूला क्या रहा? अब फॉर्मूला तो मन पतो को नहीं, क्योंकि अंदर क्या हुआ फॉर्मूला आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो फॉर्मूला सीएमडी कॉन्फेड के सीएमडी को, मैंने भी अखबार में पढ़ा कि कॉन्फेड के सीएमडी को एपीयू किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कारण है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और ये जो सारा मामला है इसमें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये फूड डिपार्टमेंट को विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में ये जो किट बनाकर